बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारों की ज़ियारत के सिलसिले में आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं वो है जनाब हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक, जो कि वादिय अजीज़ शरीफ चनियोट में दरिया चनाब के किनारे पे वाक़िया है। चनियोट का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। एक तारीखी हवाले के मुताबिक 305 साल कबल मसीह चंद्रगुप्त मौर्य के एक एडवाइजर चांकिया ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में चनियोट को अपना नेटिव टाउन करार दिया था। चनियोट फैसलाबाद से शुमाल की जानब तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पे वाकया है और हम फैसलाबाद से होते हुए चनियोट की तरफ जा रहे हैं। बाकी पंजाब की तरह चनियोट भी 1849 में बाकायदा तौर पर ब्रिटिश रूल में शामिल हुआ था और इसकी म्यूनिसपैलिटी को 1862 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1875 में चनियोट की आबादी तकरीबन 12,000 नफूस पे मुश्तमिल थी और 2017 में इसकी आबादी तकरीबन 2,78,000 अफराद तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है जो कि 1927 में अंग्रेज दौर में तामीर किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे काफी तादाद में दीगर तारीखी बिल्डिंग्स और मकाम मौजूद हैं। हम सीधा सरगोधा जाने वाली रोड पे चनियोट शहर से गुजरते हुए आगे की जानब जा रहे हैं। ये चनियोट शहर का मशहूर खत्म नबूवत चौक है। फैसलाबाद से आने वाली सड़क सीधी सरगोधा की तरफ चले जाती है, जबकि दाएं जानब वाली सड़क पिंडी भट्टिया और बाएं जानब वाली सड़क जंग की तरफ जाती है। हमारी दाएं जानब और सामने की तरफ छोटे छोटे से संगलाख और नोकदार पहाड़ शुरू हो गए हैं, जो कि कराना पहाड़ी सिलसिला ही से तलक रखते हैं और बास जगहों पे उनकी ऊंचाई 590 फुट तक पहुंच जाती है। सब्जा ना होने की वजह से और धूप की शिद्दत की वजह से इन पहाड़ियों का दर्जा हरारत बाज़ोकात 45 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। अब हमें दूर ही से एक मस्जिद के खूबसूरत मीनार और गुंबद नजर आ रहे हैं और यही हमारी मंजिल मकसूद है। इसी को वादिय अजीज शरीफ कहते हैं और यहाँ ये दरबार दरियाए चनाब के मशरकी किनारे पे वाकया है। इस वादी को पहले सांपों वाली चक्की के नाम से पुकारा जाता था। दरियाई किनारे और झाड़ियों की वजह से यह जगह मुख्तलिफ किस्म के सांपों की अमाजगा थी और बताने वाले ये भी बताते हैं कि उस वक्त यह जगह डाकुओं के लिए महफूज तरीन पनागा यानी बेस्ट हाइड आउट प्लेस के तौर पे इस्तेमाल होती थी। फिर 1955 में इस इलाके की किस्मत ने पलटा खाया और हजरत ख्वाजा मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह तने तनहा इस वादी में अपने मुर्शिद साहब के कहने के मुताबिक तशरीफ लाए और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ रागब किया और जमात अहमदिया के बढ़ते हुए नापाक कदमों को दीगर उलमाए इकराम और मशाए अज़्ज़ाम के साथ मिलकर न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पसपाई पे भी मजबूर कर दिया। दरगाह के आते में दाखिल होकर बाएं जानब मुड़े तो काफी वसी पार्किंग स्पेस मौजूद है और इसी हिस्से में दाएं जानब दरबार के मौजूदा गद्दीनशीन जनाब हजरत ख्वाजा महबूब अलाही साहब की रहायश गाह है। इसके बाएं जानब एक वसी बरामदा है जिसमें चार कमरे और एक किचन बनाया गया है। इन कमरों में से सिर्फ एक कमरा हजरत ख्वाजा महबूब अलाही साहब के लिए मखसूस है, जिसमे वो अपने मरीदैन अकीदतमंदों या
दीगर मेहमानों में से जो भी आपसे कोई मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो उससे मुलाकात फरमाते हैं, जबकि बाकी के कमरे में दीगर मेहमानों को बिठाने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ पे जिक्र अस्कार का सिलसिला चलता रहता है और साथ ही मेहमानों की खातर तवाज़ो भी जारी रहती है। अलावा जनाब ख्वाजा महबूब अलाई साहब की रहायश गांव वाली साइड पे फैमिलीज को ठहराने के लिए 5 अदद कमरे बिमा वॉशरूम बनाए गए हैं, जबकि दीगर जायरीन के ठहरने के लिए 9 अदद कमरे विद अटैच्ड बाथ अलग से तामीर किए गए हैं। इसी के साथ ही एक लंगर खाना है जहां पे लंगर की तैयारी की जाती है। उर्स के दिनों में और आम मजहबी तकरीबात के दिनों में यहां पे आवाम का अच्छा खासा रश होता है, लेकिन फिर भी नज़्म व ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाता है। पानी की सप्लाई के लिए यहाँ एक बड़ी सी टैंकी तामीर की गई है, जिससे दरगाह के अंदर तमाम जगहों के लिए पानी की फराहमी के निजाम को यकीनी बनाया गया है। वजू करने के लिए इसी टैंकी के नजदीक ही जगह बनाई गई है, जबकि तहारत खाने जेरे तामीर मस्जिद के करीब ही बनाए गए हैं। आइए अब हम आपको हजरत ख्वाजा मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक की जियारत करवाते हैं। हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के वालदेन वादी सून के गांव उछाली जिला खुशाब से माइग्रेट होकर कायदाबाद के करीब एक गांव वर्षा में तशरीफ ले आए थे और यहीं पे 22 सितंबर 1919 में हजरत ख्वाजा मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपका ताल्लुक अवान बरादरी से है। आपने प्राइमरी तक तालीम अपने ही गांव के स्कूल से हासिल की। आपने 8 साल की उम्र में सैयद कादर बख्श साहब के हाथ पे बैत की और बाद में उन्हीं के हुक्म के तहत मोहरी शरीफ में ख्वाजा मोहम्मद नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पे बैत की और उन्हीं की हदायत पे वादी अजीज तशरीफ लाए और मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार फरमाई। यहाँ पे आपको 2 मरकज नजर आ रहे हैं, जिनमें से दाईं जानब आपके साहबजादा जनाब मोहम्मद जुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह और बाईं जानब जनाब हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक है। आपने 23 सितंबर 1982 में इंतकाल फरमाया। जिस जगह आपकी तदफीन की गई थी वो जगह कदरे नीची थी, लिहाजा 10 साल बाद यानी 1992 में आपकी कब्र कुशाई करके मौजूदा जगह पे आपकी दोबारा तदफीन अमल में लाई गई। कहा जाता है कि आपके जस्दे खाकी और कफन 10 साल के बाद भी अपनी असली शक्ल में मौजूद था, जबकि इस वाक्य के बेशुमार ऐनी शाहिदीन अभी बकायदे हयात हैं। ये मजार शरीफ जेरे तामीर है। मजार शरीफ, इसका फर्श, गुंबद, दीवारों का मार्बल, टाइल वर्क और दीगर जरूरी तामीराती चीजों पे अभी काम जारी है। यहाँ पर हर तरफ तामीराती काम जारी है। बड़े बड़े कामों में दरबार शरीफ की मुकम्मल तामीर, मस्जिद की मुकम्मल तामीर, मुजवजा हस्पताल और यूनिवर्सिटी के मेजर प्रोजेक्ट्स पे अमल दरामद के लिए महदूद वसाइल में भरपूर तरीके से तामीराती काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। के मजार शरीफ के साथ ही एक और बिल्डिंग है जो कि तामीर हो चुकी है। इसमें आपकी अहलिया साहबा के साथ आपकी बेटी, बहू और एक करीबी अजीजा की आराम गाहें भी हैं। किसी भी कब्र पे कोई कतबा नहीं लगाया गया। मजारात के ऊपर बैरूनी गुंबद बनाया गया है
जिसके अंदरूनी हिस्सा में शीशा गरी का खूबसूरत काम किया गया है और फानूस भी आवेजा किया गया है। जैसा कि इब्तिदा में जिक्र किया गया था कि बरामदे से मुंसलिक कमरों में एक कमरा गद्दीन शीन जनाब ख्वाजा महबूब अलाई साहब के जेर इस्तेमाल है, आइए अब हम उस कमरे को अंदर से देखते हैं और इसके साथ ही उनके साथ मिलने के लिए आए हुए लोगों के चंद क्लिप्स भी देखते हैं। आपका सालाना उर्स मामूल के मुताबिक हर साल अक्टूबर के पहले जुमा, हफ्ता और इतवार तीन दिन के लिए मनाया जाता है, मगर इस मरतबा रबीउल अव्वल की वजह से 10 या 12 रबीउल अव्वल को उर्स मनाने का फैसला किया गया है। उर्स के पहले दिन चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है और बादस नमाज मगरब महफिल नात व जिक्र और खिताब का एक घंटे का प्रोग्राम होता है। दूसरे दिन बादस नमाज जोहर आधे घंटे के लिए जिक्र नात व खिताब का सेशन होता है और इसी दिन नमाज इशा के बाद मरकजी नशिस्त का इंतजाम होता है, जिसमें मुल्क भर से तमाम मरीदैन अपने अपने खुलफा अजाम के साथ दरबार पे हाजिरी देते हैं। फिर जिक्र नात और खिताब का सिलसिला भी होता है और ये सब कुछ रात 1 बजे तक जारी रहता है। तीसरे दिन सुबह 10 बजे एक जुलूस निकाला जाता है जो कि साथ वाली मुस्लिम कॉलोनी का चक्कर लगाते हुए अल्लाहु और कलमा शरीफ का विर्द करते हुए दरबार शरीफ पे आ जाते हैं और इसी तरह दोपहर 2 बजे दुआ के साथ उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हो जाता है। जैसा कि बताया गया है कि इस मरतबा रबीउल अव्वल की वजह से उर्स के शेड्यूल में तब्दीली की गई है, लिहाजा इस मरतबा स्पेशल तौर पे 163 मन दूध की सबील लगाई जाएगी, केक बनाया जाएगा, 100 बकरों के गोश्त से मेहमानों और दीगर शुरका की तवाजु की जाएगी और इस मरतबा मीठे में 112 मन मुखंडी हलवा भी तैयार किया जाएगा और ये लंगर फीस भी लिल्ला तमाम हाजरीन और शुरका में तकसीम किया जाएगा। वादी अजीज शरीफ में मस्जिद की तामीर के लिए 12 जुलाई 2017 को जिली इंतजामिया चनियोट ने इजाजत दी थी, जिसके बाद मस्जिद की तामीर के काम का आगाज किया गया। चूँकि मस्जिद को शानदार अंदाज में एक वसी और रीज रकबे पे तामीर किया जाना मकसूद था, इसलिए इस पे अभी भी काम जारी है और तकमील के बाद इंशाअल्लाह ताला इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में होगा। मस्जिद के दो बुलंद कामत मीनार दूरी से नजर आ जाते हैं, इनके साथ छत पे 5 अदद गुम्बद बनाए गए हैं। मरकजी गुम्बद बहुत बड़ा है जबकि अतराफ के 4 गुम्बद उससे कदरे छोटे हैं। सभी गुम्बदों के नीचे काफी तादाद में खिड़की रोशनदान बने हुए हैं, जिससे दिन की रोशनी मुनासिब मकदार में मस्जिद के हाल को रोशन रखती है। इसी तरह मस्जिद का सेन काफी वसी है, दोनों जानब तवील और कुशादा बरामदे बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए उनके ऊपर भी गुंबद बनाए गए हैं।
मस्जिद का हाल काफी कुशादा है। छत काफी बुलंदी पे बनाई गई है। छत और छत के ऊपर तमीर करदा 5 अदद गुंबदों को सहारा देने के लिए मस्जिद के अंदर बुलंद कामत पिलर्स तमीर किए गए हैं। खूबसूरत मेहराब बनाई गई है। उसके ऊपर टाइल्स में नीली बैकग्राउंड में सफेद हरूफ में कलमा तैयबा तहरीर किया गया है, जबकि उसी अंदाज में कलमा शरीफ से पहले या हय्यो और कलमा शरीफ के बाद अल्लाहु और या कय्यूम भी लिखा गया है, जबकि इनके नीचे दाएं जानब अल्लाह ताला और बाएं जानब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफाती अस्माए मुबारक वाली टाइल्स लगाने का काम जारी है। तकमील के बाद मस्जिद की खूबसूरती में ये एक बहुत गरा कदर इजाफा होगा। इसी मेहराब नुमा अंदाज में मस्जिद के हाल के सामने और दोनों साइडों पे दीवारों में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं, जिससे काफी तादाद में हवा और रोशनी मस्जिद में मयसर आती है। इस वक्त यहाँ एक मदरसा जामियतुल मसूम के नाम से चल रहा है, जिसमें तकरीबन 70 के करीब तालिब इल्म दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम के साथ साथ इब्तदाई से बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने और अल्लाह का जिक्र करने की तरबियत भी दी जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जिक्र करना उनकी तबीयत सानी बन जाता है। इन तालब इल्मों और असातजा को आम मदरसों के बरक्स जदीद स्कूलों जैसा माहौल दिया गया है। जमीन पे बिठाकर पढ़ाने की बजाय तालब इल्मों को कुर्सियों पे बिठाया जाता है। दाई जानब किताबें और पेपर्स रखने के लिए जगह भी दी गई है। बच्चों के मुतालिया के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां उन्हें पुरसकून माहौल भी फराहम किया गया है। यहां तालिब इल्मों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है, जिसके लिए एक कंप्यूटर लैब का क्याम अमल में लाया गया और इसके लिए एक माहिर कंप्यूटर टीचर की खिदमात भी हासिल की गई है। यहां पे अल मासूम यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पे काम भी जारी है और आने वाले चंद सालों में ये यूनिवर्सिटी भी अपने काम का आगाज कर देगी, जिससे आम मुस्तक अफराद मुफ्त में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। बिहारी से और मैं बेसिकली मैंने सीए किया हुआ है और मैं यहाँ टीचर भी हूँ और मैनेजमेंट भी करता हूँ। मेरा नाम सैयद सियाद अली शाह है। मेरा ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन के शहर मलकवाल से है और यहाँ इस अदारा आज़ा जामियतुल मासूम दरबार अलियावादी शरीफ में मैं साहब 2 साल से ज़ेर तालीम हूँ और हुज़ूर ख़ैर सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्मों को बहुत अच्छा माहौल फराहम किया है। यहाँ पर मिडल पास करके तालिब इल्म आते हैं और साथ साथ दुनियावी और दीनी दोनों तालीमों से रास्ता होते हैं। जामियतुल मासूम में एज ए मुदर्रिस इधर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद परवेज है, मेरी डिग्री में एमएससी फिजिक्स है और मैं यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। Thank you.
یہاں کی مسجد میں ہر جمعہ کو روز نماز جمعہ کے بعد ذکر کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں کافی تعداد میں مریدین، دیگر نمازی اور ملاقاتی احباب شرکت فرماتے ہیں۔ یہ منظر بھی کافی روح پرور ہوتا ہے۔ مسجد ذکر و اذکار اللہ اللہ اور اللہ کے نغموں سے گونج اٹھتی ہے۔ بعض حاضرین وارفتگی کے عالم میں جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس محفل میں صاحب مسند جناب حضرت خواجہ محبوب علیہ صاحب بھی پوری جذب و مستی کے عالم میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مجلس کے اختتام تک برابر شریک سفر رہتے ہیں۔ ذکر و اذکار کی سرو پرور محفل کے بعد تمام حاضرین کی توازو لنگر سے کی جاتی ہے۔ اس لنگر میں حلیم، میٹھے گڑ والے چاول اور روٹی تقسیم کی گئی ہے۔ لنگر کو پلاسٹک کے مختلف رنگوں کے بڑے بڑے پیالوں میں ڈال کر حاضرین کو کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس درگاہ میں تین وقت لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ ناشتے میں روٹی، پراٹھا، چنے، انڈے اور چائے دی جاتی ہے، جبکہ دوپہر اور رات کے کھانے میں مٹن یا بیف یا چکن پیش کیا جاتا ہے۔ اس آستانہ عالیہ کے تمام مریدین آپس میں بہت بھائی چارے اور دلی ہمدردی سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، اور اسی طرح وہ آنے والے مہمانوں سے بھی کھلی باہوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اسی طرح مل جل کر ایک دوسرے کی خوشی میں پرجوش شرکت کر کے
इस खुशी के मौके को मजीद खुशगवार बना देते हैं। यहाँ पे आस्ताना आलिया के एक इंतहाई मुखलस और दरीना साथी और ख्वाजा साहब के करीबी मोतमद खास जनाब हाफज अली अकबर महबूबी साहब को अल्लाह ताला ने नरीना औलाद अता फरमाई, तो इस खुशी में उन्होंने अपने आस्ताना के दीगर साथियों के साथ भरपूर तरीके से जिक्र खुदा करते हुए अपने मुर्शद जनाब ख्वाजा महबूब अलाही साहब को भी इस खुशी में शामिल करके इसे एक यादगार तकरीब बना दिया। और इस यादगारी तकरीब के इख्तिताम पे दुआ की गई। और सब दोस्तों साथियों और हाजरीन में मिठाई तकसीम की गई। वादी अजी शरीफ में 1955 में हजरत ख्वाजा मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से लगाया हुआ तबलीगे इस्लाम का और खिदमत खलब का नन्ना सा पौधा अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर
एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है, जिसके साए में हजारों रूहानियत के मुतलाशी और सरगर्दा लोगों को रहनमाई, आसूदगी और तमानियत मिलती है। और कितने ही बेसहारा लोग रोजाना यहाँ से मुफ्त लंगर की सूरत में अपनी भूख मिटाते हैं, और कितने ही बच्चे मुफ्त दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और इसके साथ ही इस सहूलतों से भी फायदा उठा रहे हैं कि उन्हें मुफ्त रहायश दी जाती है, मुफ्त इलाज किया जाता है और मुफ्त किताबों की सहूलत भी दी जाती है। मुजवजा अस्पताल की तामीर के बाद कितने ही लोगों को फ्री इलाज मुआलजा की सहूलियात दस्तियाब होंगी, और यूनिवर्सिटी की तकमील के बाद न जाने कितने नौजवान फ्री तलीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। इन तमाम मामलात को मौजूदा सजादा नशीन जनाब हजरत ख्वाजा महबूब अलाही साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद लम्हा बिलम्हा अपने अकीदत मंदों के साथ मिलकर इसे पाए तकमील तक पहुँचाने में मकम्मल कोशा है। अल्लाह ताला इन सब की काविशों में इन्हें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मजीद रूहानी सफर के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।